उत्तराखंड देहरादून में सर्वधर्म सद्भावना समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि कई लोग जो अपनी गरीबी और बीमारी से पहले से ही दुखी होते हैं, वह कई कारणों से संस्थाओं के पास मदद के लिए जाते हैं तो उनको कागजात जमा करवाने के लिए कई चक्कर लगवाते हैं, और जब तक वे कागजात पूरे करते हैं तब तक अक्सर देर हो जाती है और लोगों का समय और धन भी फालतू में खर्च हो जाता है। जब कोई इसके बारे में बात करता है या शिकायत करता है तो इसके संस्थापक हंस कल्चर सेंटर नई दिल्ली बात को घुमा फिराकर अनजान बनने का नाटक करके अपना पल्ला झाड़ते हैं। मरीज इनके कागजी कार्रवाई में ही उलझकर कर्जों में फंस जाता है। समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता खानम ने कहा कि उनकी यही प्रार्थना है कि किसी ज़रूरतमंद गरीब मरीज को कोई तकलीफ ना हो और FCRA के अंतर्गत जो भी फंड आता है उसका सही उपयोग हो और सही जगह इस्तेमाल हो। और उसके बावजूद वे मुझसे इतने पेपर मांगे गए लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। फिर बाद में उत्तराखंड प्रभारी जो टेगू जी कहेंगे और इस संस्था को देख रहे हैं, उन्होंने भी ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि यहाँ के लोगों को बोलो, जो कि यहाँ पर है पंकज भट्ट हमारे इस मिशन में 19 जनवरी से बराबर कंटिन्यू लगे हुए हैं, जिसमें मेरे पास पूरी उनकी चैट रिकॉर्डिंग सब कुछ है, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई भी हेल्प नहीं करी। जो कि पूरे ऑल इंडिया का दावा करते हैं कि हम लोग सबकी मदद करते हैं, हमेशा सेलिब्रिटी के साथ में वे लोग देखे जाते हैं या नेताओं के साथ देखे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा हमारे CM साहब ने 108 गाड़ियाँ स्वास्थ्य विभाग को बांटी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने नेताओं को एम्बुलेंस दी है जहाँ ज़रूरत मुझे लगता है नहीं थी, फिर भी व्हील चेयर उन्होंने दी है टीवी पर ताकि खबर आ सके। हम संस्था से, हम फाउंडेशन से, माता मंगला जी से ये निवेदन करते हैं कि वे हमें लिख कर दें कि हमने इस बच्चे की मदद नहीं करी, और आगे ऐसे जितने भी वे डॉक्यूमेंट्स जिस किसी से भी लेते हैं, आज मैं हूँ, मेरा शोषण हुआ है या उस बच्चे का हुआ है, ऐसे कितने लोग होंगे जो उन लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा हो। तो वे हमेशा एक कागजी कार्रवाई वे भी दें, हमें लिखित रूप में दें कि हमने इस बच्चे की मदद नहीं करी है। बस मैं आप मीडिया बंधु के जरिए यही कहना